हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सिखाने वाला हूँ कि फ़ोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक के अंदर कैसे चेंज करते हो, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि वो फ़ोटो HD क्वालिटी में आपका सेव कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करके और ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ करना आपको सिखाऊंगा जो यूट्यूब की वीडियो में किसी ने भी नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहेगा और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है टेलीपोर्ट एप्लीकेशन, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गैलरी वाला ऑप्शन है राइट हैंड में, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना और चले जाना है अपने गैलरी वाले ऑप्शन में। यहाँ से आपको इंटरफेस कुछ इस स्टेप से दिखेगा। यहाँ पर आपका जिस फोल्डर में आपका इमेज है वो इमेज आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से एक फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा आपको क्रॉप भी कर देना है, थोड़ा एडजस्ट करके आपको चेकबॉक्स राइट हैंड में जो टॉप पे चेकबॉक्स दिया गया है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो थोड़ा सा रेंडरिंग होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यदि आपका फ़ोटो ज़्यादा पिक्सल का हुआ तो यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 20 सेकेंड का टाइम भी लग सकता है। फ़ोटो को सेट होने के बाद आपको यहाँ पर कोलाज भी बना सकते हैं, 3x3 का, 2x3 का यहाँ पर कोलाज बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पैनल में इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हो और एक बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और नेक्स्ट और ऑप्शन में यहाँ पे बैकग्राउंड के बहुत सारे प्लेटेट्स दिए गए। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको कोई भी बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर देना है और अपने फोटो को यहाँ पे सेट कर देना है। जो फोटो भी क्रॉप हुआ उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो, उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग एप्लीकेशन है। तो मैं ये देख के आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स, ये आप एप्लीकेशन का यूज़ करके कोई भी फोटो का यहाँ पे बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई भी एक अच्छा सा पैनल ले लेना है जो आपको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका जा रहा हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद एरो ऑप्शन पे जाना, और एरो ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आपको फोटो को गैलरी में सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहां से आपका फोटो HD क्वालिटी में सेव हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक बनता है। जय हिंद फ्रेंड्स।